आज का जो कुछ सीखा है उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये एक सिरिंज है, इससे हम देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसको हम यहाँ से प्रूव करेंगे। हम जानते हैं कि जो सॉलिड होती हैं उनमें पार्टिकल्स बहुत ही नज़दीक होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ये पूरा सॉलिड ही है, मैं इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये प्रेस नहीं हो रहा है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े से स्लाइटली थोड़ा दूर दूर होते हैं, स्लाइटली दूर दूर होते हैं। ये हमने एक सिरिंज ली है, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है, हम सब देख पा रहे हैं। अब मैं इसको आगे से, मैंने इसको पुश कर दिया है जिससे कि इससे पानी बाहर ना निकले। अब मैं इसको धीरे धीरे इसके प्लंजर को नीचे दबाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा, मैं इसमें बहुत ताकत लगा रहा हूँ लेकिन ये नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत ही पानी में, पानी के पार्टिकल्स, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही कम गैप होता है। अब यहीं हम एक तीसरा देखेंगे, गैस। मैं इसको प्लंजर को वापस खींचता हूँ। अब यहाँ पर एयर इसमें फिल हो गया है। अगेन हम इसको रिपीट करते हैं और यहाँ मैंने इसको पुश किया। नाउ यू कैन सी दैट इट कैन बी प्रेस्ड बट अप टू ए लिमिट। देन यहाँ आने के बाद इसमें पूरा ताकत लगाने पर भी ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। जैसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम कंप्रेसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसमें हम इसको छोड़ने से वापस गैस जो है उसमें एयर वापस आ जाती है। इसको एक बार और दोबारा मैं आपको बताता हूँ। इसको कंप्रेस किया जा रहा है, जो एयर इसके अंदर पूरा भरा हुआ है इसको कंप्रेस किया जा रहा है, लेकिन अप टू ए लिमिट। इसके बाद ये कंप्रेस नहीं हो रहा, माने पार्टिकल्स जो हैं वो अब काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, इसकी वजह से इसको और फर्दर कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो आज का जो सीखना है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आप भी सीखते रहिए, लर्निंग महोत्सव चल रहा है। धन्यवाद।